नाउ वी विल सी जस्टिस रीजनिंग which इज द cognitive development approach टू morality. जस्टिस रीजनिंग का मतलब ये है कि आप इंसाफ के लिए खुद को कैसे तैयार करते हैं रीजन क्या देते हैं आपका क्या कॉग्निटिव ऐसा प्रोसेस होता है जो आपको इंसाफ पर मजबूर करता है सो द स्ट्रक्चर ऑफ जजमेंट इज अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ मॉरल डिवेलपमेंट एंड द स्टडी ऑफ मॉरल जजमेंट इज प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर रिसर्च टॉपिक इन द फील्ड ऑफ मॉरल डिवेलपमेंट देखिए जैसे मैंने अर्ज किया कि जो मॉरल रीजनिंग है हाउ विल यू सी कि विच इज़ रॉन्ग एंड विच इज़ राइट कौन इस वक्त सज़ा का जो है वो उसको मिल, सज़ा मिलनी चाहिए किसको इस वक्त इनाम मिलना चाहिए या किसके साथ अच्छा सलूक करना है किसके साथ अच्छा नहीं करना ये डिसीजन मेकिंग आपके काग्नेटिव प्रोसेस पे बेस करती है तो पियाजे हमें ये थेरी देता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं और उनके कॉग्नेटिव प्रोसेस बेहतर होते जाते हैं तो वो ये रीज़निंग बेहतर तौर से कर सकते हैं वो सोच सकते हैं कंक्रीटली मतलब शुरू में तो वो ये सोचते हैं कि जिस चीज़ पे सज़ा मिल गई बस वो बुरी है जिस चीज़ पे इनाम मिल गया वो अच्छी है लेकिन आने वाले वक्त में वो काग्नेटिवली उसको देखते हैं कि कौन सी चीज़ का क्या फ़ायदा होता है क्यों करना चाहिए और इस भलाई से हमें क्या मिल सकता है सो प्याजस टू मेजर स्टेजेस जो वो मॉरेलीटी के हवाले से देता है एक तो इसमें हेट्रोनोमी है और दूसरी ऑटोनोमी है द अर्लीस्ट स्टेज विच अकर्स बिफोर द एज ऑफ सेवन और एट इज कॉल्ड हेटरानोमी दैट इज मॉरल रियलिज्म और अ मॉरेलीटी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स देखिए यहाँ इस उम्र में जो हमारा बच्चा है जैसे मैंने अर्ज किया यहाँ उसकी मोरलिटी रिस्ट्रिक्टेड है कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता वो दूसरों की अप्रूवल का मोहताज है वो देखता है कि लोग किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं वो अच्छा समझ रहे हैं तो वो अच्छा ही वो करता है अगर वो समझता है इसको बुरा समझ रहे हैं इस पर सज़ा मिल सकती है या अप्रूवल नहीं है लोगों की तो वो उसको आ, उसको गलत समझता है उससे रुक जाता है ये जो चीज़ें हैं ये हमारी वो कंस्ट्रेंट्स तय करती हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या हम नहीं कर सकते तो यहाँ पे आपकी जो मोरलिटी है वो एक रिस्ट्रिक्टेड आपका जो एरिया है वो हो रहेगी और आप जब तक दूसरों से अप्रूवल नहीं लेंगे इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब आप छोटे बच्चों को ये बताएंगे कि ये अच्छा है ये बुरा है ये बेहतर है इस पर आपको शाबाश मिलने चाहिए इस पर आपने अच्छा नहीं किया तो इन चीज़ों से वो सीखते हैं वो हमारी अप्रूवल के मोहताज हैं इस उम्र में कि भाई क्या हमें देख रहे हैं इर्द गिर्द एन्वायरमेंट में किस चीज़ के नतज़ अच्छे निकल रहे हैं किस चीज़ के नतज बुरे निकल रहे हैं तो फिर उसके मुताबिक वो अपने एक्शंस को इम्प्रूव करते हैं देन द लेटेस्ट स्टेज इज़ कॉल्ड ऑटोनमी और अ मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन अब जाहिर है जब आप थोड़े बड़े होंगे और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में चले जाएंगे तो आपको लॉजिक्स समझ आना शुरू हो जाती है आप चीज़ों को कैटेगराइज करने लगते हैं आप ये भी समझने लगते हैं कि अगर मैं बड़ा हूँ और मेरे साथी छोटा है या मैं आ, मेरे पास कुछ ज़्यादा वसायल हैं मेरे साथी के पास थोड़े वसायल हैं कुछ खिलौने हो गए या कोई और चीज़ हो गई तो आपको समझ आती है कि हाँ इसको बराबर में तकसीम करना है या इसको साथ मिला के खेलना है या इसके साथ शेयर करना है तो क्यों करना है अब आपके पास लॉजिक है जब आप छोटे होते हैं तो आप उस लॉजिक को नहीं समझ सकते सो आप सेल्फ सेंटर्ड होते हैं जो आपका दिल चाहता है वो आप करते हैं जो आपको अच्छा लगता है वो आप करते हैं लेकिन जैसे बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है तो उसको लॉजिक समझना आना शुरू हो जाती है सो एज द इंटेलिजेंस ऑफ द चाइल्ड डिवेलप्स फ्रॉम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग टू ऑपरेशनल थिंकिंग ही बिगेंस टू रियलाइज द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन द प्रिंसिपल्स ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड इक्वेलिटी यहाँ उसको समझ आती है कि दूसरों के साथ मिल के आ, काम करना अच्छा है दूसरों की मदद करना दूसरों को बराबर समझना इख्लाफा को ख़त्म करना और हम सारों को एक साथ अपने वसायल को एक साथ बाँटना अच्छा है क्योंकि अब कुछ वो लॉजिक जानता है और दूसरी बात यह है कि अब वो कुछ फैसला करने में भी आज़ाद है देखिए वहाँ फ़र्क ये था कि हेटरानी में आप बड़ों की अप्रूवल चाह रहे थे जो वो कहते थे अच्छा है जो वो कहते थे बुरा है आपको लगता था हाँ ठीक है अब मुझे यही करना है लेकिन यहाँ अब आपके पास ऑटोनमी है यू डिसाइड बाई योर सेल्फ इस वक्त आप खुद फैसला कर रहे हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए तो कुछ लॉजिक्स और रीजंस आप समझ पाते हैं ये स्टेजेस हमें प्याजे ने दी हैं और फिर आने वाले मॉड्यूल्स में हम देखेंगे कि और कौन कौन सी थेरीज हैं मॉरल डेवलपमेंट पे